आमतौर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन आज संडे कर्फ्यू होने के कारण सुभाष उद्यान में स्थित सुभाष प्रतिमा पर माल्यार्पण भी नहीं किया गया। ऐसे में स्थानीय निवासी गोपाल बंजारा मौके पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी उन्हें आज श्रद्धांजलि देने भी कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि कोविड 19 महामारी का प्रकोप है और इसके चलते संडे कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में वीर जवानों को याद भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि वीर जवान सभी के दिलों में बसते हैं, ऐसे में कर्फ्यू के कारण कोई नहीं पहुंचा, लेकिन वह खुद ही यहां आए हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देखिए, कहते हैं कि वतन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंजाम होगा। आज वीकेंड लॉकडाउन है और सुभाष चंद बोस की जयंती है। उस जयंती पर लोगों का उत्साह जो हमेशा होता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, देश के लिए समर्पण किया, देश के लिए त्याग किया, ऐसे लोगों को याद करने के लिए लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे, तो उसका कसूर किसका है, इसका दोष किसे दें। लेकिन शहीद और भगत सिंह के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, इन चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो आज उनकी जयंती पर हम सुभाष उद्यान में, मैं अकेला आज उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। बड़ा दुख होता है क्योंकि ऐसे समय में लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्या मानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर के या पब्लिक नहीं आता? हाँ, वो कोरोना काल का तो बहुत बड़ा असर है, साथ में जो वीकेंड कर्फ्यू है लोग नहीं निकल पाए और उसका बहुत बड़ा असर है कि आज सुभाष जयंती पर कोई नहीं पहुँच पाया। गोपाल बंजारा।